धनबाद के पुटकी में बिहार के तर्ज पर शराब मुक्त झारखंड तो वोट, अन्यथा वोट का बहिष्कार होगा। नशा उन्मूलन महिला समिति के बलियारी स्थित केंद्रीय कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता में उक्त बातें समिति की केंद्रीय अध्यक्ष सुंदरी महतो ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर जुल्म एवं शोषण के मूल में शराब ही है। नारी सशक्तिकरण की आपाधापी में आज शराब का मुद्दा गौण हो गया है। उन्होंने कहा कि हम संगठन के माध्यम से शराब बंदी के अभियान को लेकर एक लंबे समय से प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो प्रत्याशी हमारी बातों से इत्तेफाक रखेगा, महिला उन्हीं को वोट देगी, अन्यथा हम महिलाएं वोट का बहिष्कार करेंगे। बिहार में जिस तरह शराबबंदी हुआ, उस तरह हम लोग झारखंड में भी चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी हम लोग को जो शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के हम लोग का सहयोग और शराबबंदी का ऐलान करेंगे कि हाँ हम लोग ये बंद करवाएंगे, उसको वोट देंगे, नहीं तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। प्रेस वार्ता में नशा उन्मूलन महिला समिति के सभी सदस्यगण मौजूद थी। हम सब ने वोट किया, अब आपकी बारी। देश की कोयला राजधानी का विकास तभी संभव है जब देश लोकतांत्रिक रूप से मजबूत हो। 5 साल बाद फिर से लोकतंत्र का महापर्व, अब जनता की बारी है, तो आइए हम और आप मिलकर देश को मजबूत सरकार देने के लिए वोट करें। मतदान से हम अपने लिए सांसद ही नहीं, अपने विकास की गाड़ी का चालक भी चुनते हैं। मतदान निष्पक्ष और प्रभावी हो, इसके लिए आपको सजग रहना है। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव के लिए तत्पर है। मई 12 को धनबाद जिला में इलेक्शन होने वाला है। मैं सभी वोटर से अनुरोध करता हूं कि आप लोग वोट जरूर डालें और अपना वोट हक यूज करें। एंड किसी तरफ का इलेक्शन रिलेटेड क्वेरीज के लिए टोल फ्री नंबर 1950 में आप लोग कॉल करके आपका जानकारी ले सकता है। और मैं स्पेशल अपील्स टू ईच एंड एवरीबॉडी इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, आप लोग मई 12 को आइए और वोट जरूर डालें। आइए इस महापर्व को और महान बनाएं और शान से मतदान करें, शान से सरकार बनाएं। धनबाद में लोकसभा चुनाव की तिथि 12 मई निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी मतदाताओं से मेरी अपील होगी कि वो अपना सब कामकाज छोड़कर जरूर मतदान करने के लिए आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें एवं आचार संहिता के उल्लंघन का अगर कोई भी मामला उनके ध्यान में आता है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से इसकी शिकायत